नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं सच न्यूज। लीजिए पेश है आज की अहम खबर। स्पॉन्सर्ड बाय एक्सक्लूसिव पीसी वर्ल्ड, एड्रेस सीडीसी बिल्डिंग सिकंदराबाद। सारे फंक्शंस के लिए अपनी खिदमात पेश करते हैं गरीब नवाज केटरिंग सर्विसेज। एड्रेस नवाब साहब कुंटा, इरफान होटल, फर्स्ट फ्लोर, हैदराबाद। उर्स शरीफ हजरत यूसुफैन के सिलसिले में मजलिस के सीनियर एक्टिव मेंबर मिर्ज़ा रहमत बेग का जोनल कमिश्नर जीएचएमसी के गुरु प्रसाद का दौरा दरगाह शरीफ। पेश है खबर की तफसील। सदर मजलिस की हिदायत पर मजलिसी सीनियर एक्टिव मेंबर मिर्ज़ा रहमत बेग ने जीएचएमसी ओहदेदारों के साथ इंतजामात के सिलसिले में दौरा करते हुए बल्दी मसाइल का जायज़ा लिया। बरवक्त नुमाइंदगी करते हुए बल्दी मसाइल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। वाज़े हो कि अनखरीब दरगाह हजरत यूसुफ़ैन उर्स शरीफ का आगाज़ होने जा रहा है। इस पेश नज़र इंतजामात जारी है। ज़ायरीन हैदराबाद और बैरून इलाक़ों से हज़ारों की तादाद में उर्स शरीफ में शिरकत करते हैं। इस पेशे नज़र मजलिस के सीनियर एक्टिव मेंबर्स मिर्ज़ा रहमत बेग दरगाह के अहाते के अलावा बैरून सड़कें जो खस्ता है उसको फौरन असर के साथ कामों की तकमील की हिदायत दी। इस मौके पर जीएचएमसी जोनल कमिश्नर ने मजलिसी खायत के हमरा बारगाह यूसुफैन पर चादरे गुल पेश करते हुए देखे गए। इस मौके पर एक्टिव मेंबर मिर्ज़ा रहमत बेग के अलावा सुदूर और मोतमदीन और जायरीन की कसीर तेदाद देखी गई। तो नाजरीन, सच्चाई जानने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। सच न्यूज़ चीफ ब्यूरो शरफुद्दीन की ये रिपोर्ट। जनाब नखीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब नुमाइंदगी के ऊपर और सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर आज बल्दी बरखी आबरसानी के तमाम अहदेदारों के साथ यहाँ पर दरगाह यूसुफ़ैन रहमतुल्लाह का तफसीली दौरा किया गया, जो कि उसके मौके के ऊपर सदर मोहतरम में नुमाइंदगी कर चुके हैं कि यहाँ के इंतजाम के ताल्लुक से जो कि टेम्पोररी लाइटिंग है और जीएचएमसी के तरफ से मेंटेनेंस के वर्क्स है और इलेक्ट्रिसिटी के तरफ से जो कि मोबाइल ट्रांसफार्मर्स है और वाटर वर्क्स के तरफ से जो कि यहाँ पर बिला रुकावट जो पानी की सरबराही होती है उस ताल्लुक से आज पूरे डिपार्टमेंट के अहदेदारों के साथ यहाँ पर दौरा किया गया। ख़ास तौर पे सेंट्रल जोन के जोनल कमिश्नर साहब यहाँ पर खुद दौरा किए हैं और पूरे तफसीली देखे हैं कि जो पीटी रोड है, जो नामपल्ली की मेन रोड, वो रोड देखे हैं और अंदर के जो काम है पूरे जोनल साहब देखे हैं और जो कि एक मीनार की मस्जिद से लेके नामपल्ली चौरसे तक पूरे जो हेमास है उसको एलईडी सिस्टम करने के लिए बताया है दोनों साहब ने और दरगाह के पास जितने हेमास है उसको भी एलईडी करने के लिए बताए हैं और उर्स के मौके के ऊपर जो जो मेंटेनेंस के वर्क्स है अंदरूनी दरगाह के अंदर जितने स्ट्रीट लाइट्स है उसको भी एलईडी करने के लिए बताया गया और ख़ास तौर पर जो हाउस के पास रिनोवेशन का काम है उस ताल्लुक से भी बताया गया है और सब काम सदर मोहतरम की नुमाइंदगी के ऊपर हो गए और जनाब कायद मुखनना अकबरुद्दीन अवैसी साहब की जेर निगरानी में ये काम होंगे और मजलिस इत्तेहादिया की भी हर काम प्रैक्टिकल में कराती है और हमारे सीनियर कॉर्पोरेटर यहाँ पे नजरुद्दीन साहब हैं, उनके पूरे कामों का जायजा ले रहे हैं और हम सब लोग खुदरो मोहम्मदीन और तमाम मजलिस के सरगरम कारकुनान उस के इंतजाम होते हैं उसमें सदर मोहतरम का सख्त आर्डर है कि पूरे लोग अपने अपने यहाँ पर जो जो जिम्मेदारियाँ हैं
वो लोग पूरे करेंगे। और इस मौके के ऊपर मैं दोनों कमेटी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सब थोड़ा नसीरुद्दीन साहब और अहमद खान साहब और तमाम लोगों के साथ यूसुफ बाबा दरगाह का जो उर्स है होने वाला किस्मत को, इस वास्ते मैं तमाम मोहतेदार वली का तरफ से आया, आके देखा वो रोड का बारे में है और डैमेज पोर्शन हो रहा है और एक मीनार का रोड बैड कंडीशन में है वो देखा। और ये एरिया में जितना लाइट्स है पूरा निकाल के अब LED करने का है और अंदर भी थोड़ा थोड़ा काम तो छोटा है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट वर्क है पूरा देखा, वो ये उर्स के पहले ये पूरा हो जाएगा। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलमपनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलमपनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हां, आलमपनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम, आलमपनाह, आलमपनाह, आलमपनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन आलमपनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलमपनाह बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 0402450 1565।